हेलो एंड वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। वेल दोस्तों, बिदिप्ता चक्रवर्ती के माता पिता को आखिर क्यों बुलाया हिमेश रेशमिया ने अपने घर? आखिर क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह? वेल, बिदिप्ता के साथ साथ अब उनके माता पिता पर भी क्या मेहरबानी करने वाले हैं हिमेश? आखिर क्या है उन्हें अपने घर बुलाने के पीछे की बड़ी वजह? बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से, लेकिन उससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें। वेल दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 13 के मंच पर मौजूद हिमेश रेशमिया हमेशा ही किसी न किसी कॉन्टेस्टेंट को पसंद कर ही लेते हैं। उनकी नज़र में जिसने अच्छा गा लिया, समझ जाओ उसकी किस्मत चमक गयी। और इस बार बिदिप्ता पर पड़ी है उनकी ये मेहरबानी वाली नज़र। वेल, हिमेश रेशमिया बिदिप्ता से बहुत ज्यादा इम्प्रेस है, ये बात तो हमें आपको बताने की शायद जरूरत नहीं है। इंडियन आइडल के हर एपिसोड में ये चीज साफ नजर आती है कि बिदिप्ता चक्रवर्ती ने अपनी गायकी से किस तरह से हिमेश रेशमिया का दिल जीत लिया है। और यही वजह है कि अब बिदिप्ता के मम्मी पापा को अपने घर बुलाकर उनका बहुत ही अच्छा वेलकम किया है हिमेश ने। साथ ही साथ उन्हें कई ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिनसे वो अभी तक अनजान थे। बिदिप्ता के करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं हिमेश रेशमिया, और वो चाहते हैं कि बिदिप्ता उनके साथ पर्सनली काम करे। और ऐसे में उनके माता पिता को घर बुलाकर उनसे बहुत ही गहरी और बहुत अहम बातचीत भी की है। वेल, बिदिप्ता के माता पिता तो बहुत ज्यादा खुश हैं कि उनकी बेटी को इंडस्ट्री के इतने बड़े हिमेश रेशमिया, इतने बड़े सिंगर का आशीर्वाद मिल चुका है। उनका हाथ उनकी बेटी के सर पर आ गया है। वेल दोस्तों, हिमेश ने अपने जान पहचान के सभी म्यूजिक कंपोजर को जब बिदिप्ता का नाम कहा तो उन्होंने ऑलरेडी ये कह दिया कि हम तो इस लड़की को जानते ही हैं, हम तो तुम्हें ही कॉल करने वाले थे कि अरे इन्हें लेकर आइए, इंडस्ट्री को इनकी जरूरत है। वेल, ऐसे में बिदिप्ता के माँ बाप का तो खुशियों से दिल एकदम ही भर गया, उनकी आंखें भी नम हो गई। वेल, आप लोग कितने खुश हैं बिदिप्ता के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।